अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जी आज जो है वो मॉर्निंग टाइम है और मैं जो हूँ अपनी ज़बरदस्ती स्किन टी पी रही हूँ। वो स्किन टी क्या है ये तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। आज की वीडियो स्किन टी के बारे में नहीं है, आज की वीडियो है जनाब एक लवली ब्रेकफास्ट के बारे में। हाँ जी, तो जैसा कि आपको पता है जो जो मेरी वीडियो से कनेक्टेड हैं वो जानते हैं कि मेरी सिस्टर आई हुई थी, वो ब्रेकफास्ट ब्रेड लेकर आई थी। तो वो ब्रेकफास्ट ब्रेड जो है वो बहुत ही मज़े की थी, बड़ी औसम, बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी टेस्टी है, मज़े की है, ये है। और आपको ऐसा लगेगा जैसे ये पिज्ज़ा है, बट इट्स नॉट पिज्ज़ा, ये ब्रेकफास्ट ब्रेड है। तो मैंने तो एक इसको निकाल के और ओपन किया, ये मैं जैसे दिखा रही हूँ ये मैंने ओपन किया, और मैंने जैसे ही इसको टेस्ट किया तो ये इतनी टेस्टी है कि मज़ा आ गया मुझे। और ऑलमोस्ट हाफ जो है ये ख़त्म हो चुकी है और ये बहुत ही मज़े की है, इतने मज़े का इसका टेस्ट है। बताती हूँ मैं इसका टेस्ट कैसा है। पहले तो आप देख लें कि ब्रेड, मैं आपको क्लोजली ये ब्रेड जो है वो दिखाती हूँ, आप ये ब्रेड देखें और इसकी डिटेल देखें, और फिर मैं साथ साथ जो है वो आपको आपके साथ बात भी करती जाती हूँ और फिर मैं आपको ये दिखाती भी हूँ। तो ये है जरा मेरी ब्रेड, ये थोड़ी सी टूट भी गई है, ज़ाहिर इतना बड़ा ट्रैवल करके आई है। तो ये है शॉर्ट ब्रेड, लिखा हुआ है इसके ऊपर ऑल बटर, और बाकी इसमें बटर का जो है वो बहुत ज़्यादा टेस्ट है, और ये बहुत ही, ये मुझे सिग्नेचर ब्रेड लग रही है और बहुत ही ये मज़े की है, बहुत ही टेस्टी ये ब्रेड है। आप ब्रेड कह लें, कुकीज़ कह लें, बिस्किट कह लें, मतलब ये बिस्किट टाइप का ही आपको टेक्सचर इसमें मिलेगा और ये वही उसी तरह का चीज़ टेस्ट है। बट बटर जो है वो बहुत फ्रेश है, बिल्कुल प्योर बटर जो है कि वो स्पेशली जो वो प्योर ऑर्गेनिक बटर होता है ना, ये वही वाला टेस्ट है इसका। ये मैं रखती हूँ इधर साइड पर और ये आ जाती है यहाँ पर, तो मैं अभी आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। अच्छा, इसका शेप जो है वो बिल्कुल पिज्ज़ा की तरह है, ये आपको पिज्ज़ा ब्रेड ही लगेगी, बट ये जैसे पिज्ज़ा क्रस्ट होता है तो, बट ये पिज़्ज़ा की तरह नहीं है। और मज़े की बात ये है कि इसमें कट भी जो है उन्होंने पिज्ज़ा स्टाइल के ही लगाए हुए हैं। ये बिल्कुल जी, ये अगर आपको खाना है, आपको जितना यूज़ करना है, आप ये यूँ कट करके ये ऐसे जो है ये। अच्छा, बहरहाल ये टूट गई, इसको तो मैं सेव कर लूँगी किसी बॉक्स में, बट ये बहुत ही मज़े की ब्रेड है और ये बहुत ही मज़े की लगती है। तो जनाब ब्रेड आपने देख ली, बट इसको शॉर्ट ब्रेड भी कहते हैं, इसको जो है वो ब्रेकफास्ट ब्रेड भी कहते हैं, इसको आप बटर कुकीज़ टाइप भी कुछ आपका कहा जा सकता है। तो कुकी टाइप, बट चूँकि बड़े साइज़ की कुकीज़ जो हैं वो छोटी होती हैं, तो इसलिए इसको ब्रेड का नाम दे दिया। बट ये मैं ब्रेकफास्ट में नहीं लेती, ब्रेकफास्ट तो मैं कुछ और लेती हूँ, ये मेरे ब्रंच में चलता है। जैसे मेरा ब्रेकफास्ट जो है वो थोड़ा लेट मेरा होता है, और वो मैं करके फिर उसके बाद जो है अपने घर के काम वाम सब समेटा समाटी ये चीज़ें की, फिर उसके बाद जो है वो मैं एक कप अपना टी का लेती हूँ, स्लिम टी लेती हूँ मैं, स्किन टी लेती हूँ मैं। इस वक्त जो है वो मैं स्किन टी ले रही हूँ, तो इस स्किन टी की भी रेसिपी आने वाली है और उन लोगों को तो ज़रूर मिलेगी जो मेरे चैनल से कनेक्टेड हैं और रेगुलरली मेरा चैनल देखते हैं। इंशाल्लाह इस स्किन टी की जो रेसिपी है वो भी मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसलिए जिसने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ साथ में जो है वो बेल बटन जो है वो ज़रूर प्रेस कर ले ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए और आप खोल के उसको देख लें नोटिफिकेशन को। अगर वो वीडियो आपसे रिलेटेड है, आपके काम की है, तो फिर आप जो है उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। वैसे मेरी हर वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। अच्छा चलें, बहरहाल ये ब्रेकफास्ट जो है बहुत मज़े की है और पूरी डिटेल मैंने आपको इसकी बता दी है। तो साथ मैं थोड़ा सा एक सिप भी ले लूँ क्योंकि मेरी टी जो है वो होने वाली है ठंडी। तो मैं कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय, काश कि मैं आप लोगों को भी टेस्ट करा सकती और आप लोगों के साथ इंजॉय कर सकती, लेकिन बट ज़ाहिर है नॉट पॉसिबल। बट साइंटिस्ट ने इतना ज़रूर पॉसिबल कर दिया है कि आप जो अच्छी चीज़ अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, अपने लिए यूज़ करते हैं, तो आप अपने व्यूअर्स के साथ, अपने देखने वालों के साथ भी जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो ये ब्रेड जो है वो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको कोई आपका बाहर से आने वाला है तो आप उससे ये मंगवा सकते हैं। और इसके अलावा ये हो सकता है कि सऊदीया में हर चीज़ अवेलेबल होती है, आपको मोस्टली चीज़ें मिल जाती हैं, तो अगर आप ये डैन्यूब में या फिर इस तरह के किसी बड़े मॉल के, स्पेशली डैन्यूब में जो है ना वो स्पेशल एक इम्पोर्टेड चीज़ों का जो है वो सेशन होता है इस तरह का फूड आइटम, तो वहाँ आपको ये मिल सकती है। वहाँ ना मिले तो ऑनलाइन अमेज़ॉन जिंदाबाद, तो अमेज़ॉन से मंगवा लें, हर चीज़ मिलती है अमेज़ॉन पे।
तो बिल्कुल इंजॉय करेंगे। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं आपको जो चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ और मुझे अच्छी लग रही है तो मैं उसका रिव्यू आपको दे दूँ और आप भी उस चीज़ को इंजॉय कर सकें। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर लाइक तो बनता है और एक कमेंट भी बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। मैं करती हूँ अपनी टी इंजॉय और आप जो है अपने घर में टी बना के मेरे साथ मिलके इंजॉय कर सकते हैं इस टाइम। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।